अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अ बुक ऑफ कंप्यूटर क्लास 5। टुडे आवर लेक्चर इज इन द चैप्टर 2, पेरिफेरल डिवाइस। व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस? ए डिवाइस इज दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक ऐसी डिवाइस जो प्रोसेसिंग सिस्टम का पार्ट ना हो, बट ए यूज विद द कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के साथ उसका यूज होता हो, इज कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस। फॉर एग्जांपल, द सीडी रोम ड्राइव, सीडीआर ड्राइव आर इंटरनल मोडियम आर लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। They are called internal peripheral device or integrated peripheral device. CD-ROM, CDR drive, ये जो हैं internal modem, ये जो located हैं internal modem, ये सारे जो हैं internal peripheral device के part हैं, यानी कि peripheral device के internal, इनसे आपने याद रखना है कि ये इसके अंदर होते हैं, internal peripheral device के ये part हैं। जबकि जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, एक्सटर्नल आर सिचुएटेड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। एक्सटर्नल पेरिफेरल जो है वो सिस्टम यूनिट के आउटसाइड में होती है, जबकि जो इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस है वो सिस्टम यूनिट के इनसाइड में होती है। ये डिफरेंट आपने याद रखना है कि इंटरनल का आपने याद रखना है इनसाइड द सिस्टम यूनिट, इंटरनल इनसाइड द सिस्टम यूनिट, एक्सटर्नल आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। दे इंक्लूड, एक्सटर्नल यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस सच एज द माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें आएंगी, ये आउटपुट में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो हैं, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस, व्हाट इज इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, व्हाट इज एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। सेकंड पे है बेटा, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट डेटा एंड सेंड इट टू द सीपीयू। इनपुट का काम क्या है कि वो डेटे को एक्सेप्ट करके सेंड करता है सीपीयू में। द कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR रीडर, बारकोड रीडर एंड वेब कैम आर इनपुट डिवाइस। ये जो सारे हैं ये सारे इनपुट डिवाइस में हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्टिकल करेक्टर।